उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर और कुशीनगर हाईवे पर और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सहजनवा विधानसभा से विधायकी की दावेदारी करने वाले नेता मनोज यादव जी। आइए इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ताओं में क्या कुछ तैयारियाँ और इनकी क्या तैयारियाँ हैं इनके नेता को गोरखपुर में आगमन को लेकर। बहुत स्वागत है सर आपका उत्कर्ष पत्रिका में। धन्यवाद। आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ निर्देश हैं आपके नेता के आगमन को लेकर गोरखपुर में? देखिए माननीय अखिलेश यादव जी देश के भविष्य हैं और प्रदेश की उम्मीद हैं और माननीय अखिलेश यादव जी का कल गोरखपुर आगमन हो रहा है। विजय रथ यात्रा गोरखपुर से कुशीनगर जाएगी। मेरा विधानसभा यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। मेरे विधानसभा से मेरे साथ हजारों की संख्या में नौजवान मोटरसाइकिल से और बड़े बुजुर्ग महिलाएं बसों से सीधे कार्यक्रम स्थल पर आएंगे और माननीय जी का स्वागत अभूतपूर्व स्वागत होगा, ऐतिहासिक स्वागत होगा और माननीय जी का एयरपोर्ट से लेकर के और मारापार इंटर कॉलेज तक जहाँ हमारी सभा है वहाँ तक एकदम आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी जो तिल फेंका जाए। और माननीय जी को देखने के लिए और सुनने के लिए आम जनमानस उत्साहित है क्योंकि माननीय जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के हित का काम किया था, किसानों के हित का काम किया था, व्यापारियों के हित का काम किया था, छात्रों के हित का काम किया था, नौजवानों के हित का काम किया था, महिलाओं के हित का काम किया था, जन जन के हित का काम किया था और 5 साल के अंदर इस सरकार से जनता उब चुकी है। इनको ठोको नीति है, कहीं गुंडे बदमाश को ठोक दे रहे हैं, बदमाश पुलिस को ठोक दे रही है, बच्चियों को सरेआम बलात्कार हो रहा है, महंगाई तो इतना बढ़ गई है कि आदमी की थाली से दाल गायब हो गई, सब्जी गायब हो गई और कड़ू का तेल सरसों का तेल इतना महंगा है कि गरीब घरों में केवल जब सब्जी तली जाती है तो मर्चा भुनने भर का एक चम्मच शायद कड़ू का तेल पड़ रहा है और हफ्ते में शायद एक आध दिन कड़ू के अरहर की दाल गरीबों के घर में लोग खा रहे हैं। पूरा जनमानस इस सरकार से त्रस्त है और योगी और मोदी जी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बेच दिया। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। आने वाले 2022 में अखिलेश यादव को इतना ज़्यादा वोटों से और इतनी ज़्यादा सीटों से उत्तर प्रदेश की जनता जिताने जा रही है। ये ऐतिहासिक 2022 का चुनाव होगा। क्या 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 लग रहा है सर कि अखिलेश जी के गोरखपुर और कुशीनगर का जो आगमन है तो ये किस हद तक टक्कर दे पाएगा और क्या कुछ मुद्दे आप लोगों के होने वाले हैं चुनाव में? जिस भी रोड पर आप चलेंगे, हमारे विधानसभा सहजनों में कालेसर से गोरखपुर जोड़ने वाली रोड हो, चाहे जितने भी पॉइंट हैं उससे बसावट योजना के अंतर्गत, त्वरित योजना के अंतर्गत, लोहिया के अंदर अंतर्गत, जनेश्वर मिश्रा योजना के अंतर्गत, सारी रोडें समाजवादी सरकार की देन है। एम्स की जमीन आदरणीय अखिलेश यादव ने दिया और जो कुशीनगर एयरपोर्ट बनने के पहले बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं वो भी एयरपोर्ट माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। योगी जी ने गोरखपुर में कोई विकास नहीं किया। इंसेफ्लाइटिस सबसे बड़ी समस्या थी जिसके लिए हमेशा वो आंदोलन करते थे। एक भी कमरा इंसेफ्लाइटिस वार्ड का योगी जी ने नहीं बनाया है। कोई काम योगी जी ने नहीं किया। योगी जी ने केवल पुरानी सरकार का फीता काटा है और कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐतिहासिक स्वागत होगा गोरखपुर की धरती पे। सहजनवा विधानसभा के हजारों हजार नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, छात्र, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर सब लोग स्वागत में माननीय जी के आ रहे हैं और बहुत बड़ा स्वागत होगा और माननीय जी को सुनने के लिए और देखने के लिए जनता उत्साहित है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अखिलेश यादव के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, हर तरफ नेता लोग अपने बैनर अपने पोस्टर को लगा रहे हैं, सड़क के किनारे सारे चारों तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा बैनर और पोस्टर से सड़क को पाट दिया गया है। कुछ और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनकी तैयारियों का इनके उत्साह को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रभाव डालेगा अखिलेश यादव का गोरखपुर का दौरा। देखिए पूरे प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, करप्शन से बढ़ा हुआ, सारे लोग परेशान हैं। इसी के कारण गोरखपुर में माननीय अखिलेश यादव जी की यात्रा हो रही है और नौजवानों में, किसानों में, हर लोगों में हर्षोल्लास है और हम लोग पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए सर, अखिलेश यादव का गोरखपुर का ये जो गोरखपुर से कुशीनगर की जो यात्रा है ये क्या प्रभाव डालने वाली है? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के ये विजय यात्रा का तीसरा चरण, जो दो चरण की यात्रा पूर्ण हो गई, तीसरे चरण में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गोरखपुर से कुशीनगर तक जो है ये परिवर्तन समाजवादी, ये जो लिखा हुआ है देख लीजिए आप, समाजवादी विजय यात्रा
इसी से ये जो है समाजवादी सरकार बनाने की जो है विजय का आघोष यहाँ से किया जाएगा। और इसी क्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवानों को, कार्यकर्ताओं को जो है उत्साह वर्धन के लिए गोरखपुर में आ रहे हैं। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बोर्ड और होर्डिंग और पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नेता के आगमन को लेकर बोर्ड, होर्डिंग इत्यादि से पूरा रोड, पूरा सड़क ये पट चुका है। और हमने यहाँ पे कुछ नेताओं से और कार्यकर्ताओं से भी बात की और तैयारियों का जायज़ा भी लिया। और देख सकते हैं कि सारे चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी समाजवादी पार्टी के, जो कि कल विजय यात्रा गोरखपुर में आ रही है, तीसरे चरण में विजय यात्रा की शुरुआत होगी और गोरखपुर से अखिलेश यादव कुशीनगर के लिए रवाना होंगे। तो समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ता, क्षेत्रीय नेता सारे लोग अपने बोर्ड, अपने होर्डिंग, अपने बैनर को सजा रहे हैं और पूरे सड़क को अपने बैनरों से पाट दिए हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने नेता को आगमन को लेकर। हम यहाँ गोरखपुर और कुशीनगर के हाईवे पर मौजूद थे और हमने हाईवे का जो तैयारी है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की तैयारी है, उसको आपके सामने रखा और बताया। बाकी अन्य छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। कैमरामैन सुमित के साथ मैं वैभव सिंह।